आज दीपावली का दिन है, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाई। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लक्ष्मी जी आप लोगों के घर में हमेशा खुशियाँ लाएँ और कभी किसी का कोई दुख का सामना ना करना पड़े, यही माता रानी से प्रार्थना है, लक्ष्मी जी से। हैप्पी दिवाली आप सबको। देखिए मेरा घर का व्यू है, बाहर से ऐसे सजा हुआ है और देखिए पूरा जगमग कर रहा है। आप सब भी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और दीपावली की खुशियाँ मनाएं। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा सज के तैयार हैं, हमारे घर लक्ष्मी माता आई है और पूरा घर पूरा जगमग कर रहा है। ये बाहर का व्यू है हम लोग का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुशियाँ मना रहे हैं सभी लोग। आप सब कैसे मना रहे हैं जरूर बताइए। हम लोग का पूरा घर सज के तैयार है, माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है। आप सभी बच्चे लोग नीचे पटाखा फोड़ रहे थे, अभी सब छत के ऊपर गए हैं और सब धमाल मचाए हैं। आप देखिए कितना धमाल मचाए हैं, थोड़ी देर में उन लोग को भी दिखाएंगे हम ऊपर ले जा करके। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? पटाखा फोड़ रहा है। अच्छा हैप्पी दिवाली। आंटी खाना बना रही है। हाँ एक प्लेट में थोड़ा सा। अभी हम दीपावली का पूजा कर रहे हैं, दिया जल चुका है और सभी कुछ माता रानी को चढ़ा दिए हैं और चढ़ा भी रहे हैं। आप बने रहिए, देखिए। ओम जय लक्ष्मी माता, ओ मैया लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। अभी दिया जला चुके हैं, अभी बाद में फिर आरती करेंगे। अभी थोड़ा दिया सभी जगह रख लेते हैं, उसके बाद से फिर अभी सभी जगह दिया रखने चल रहे हैं और देखते रहिए। कुछ जगह का दिखाएंगे आप लोगों को, सभी जगह का दिखाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अभी जा रहे हैं छत पे तुलसी माता को दीपक रखने के लिए। अभी छत पर आ चुके हैं, सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, अभी छत पर आ गए हैं। देखिए कितना अच्छा चारों तरफ लाइटिंग लगा हुआ है और छत पर अंधेरा है, छत पर बल्ब नहीं है, आगे सजाया गया है तो बाहर से दिखेगा, बाहर से भी आप लोगों को दिखाएंगे और सबसे ब्लॉग में शुरुआत में दिखाए भी बाहर से। अभी लक्ष्मी माता की पूजा करके और फिर तुलसी माता का दीपक रखने आए हैं, देख सकते हैं। अभी दीपक रख दिए हैं, प्रणाम कर ले रहे हैं और फिर यहाँ से जा करके फिर नीचे अपना घर में रखेंगे। तो अभी चल रहे हैं छत से नीचे, नीचे जा करके उसके बाद से अभी मैं नीचे जा रही हूँ, जा करके फिर और जगह दीपक रखना है। अभी अभी सीढ़ी से नीचे जा रही हूँ और नीचे चल करके फिर देखते हैं कहाँ कहाँ। अभी जा करके अभी किचन में जा रहे हैं रखने, तो किचन में दीपक रख दे रहे हैं, सब्जी काट के रखा हुआ है, कुछ देर में उसको पकौड़ा बनेगा कि दीपक जलाने के बाद ही हम लोग के घर में पकौड़ा बनता है। तो अभी दीपक जल जा रहा है चारों तरफ, उसके बाद से पूजा ख़त्म करके फिर पकौड़ा बनेगा। अभी सब घर में भी रख दे रहे हैं दीपक, यहाँ सिलाई मशीन पर रख दे रहे हैं और फिर अभी देखते हैं और जगह बच्चे लोग रख रहे हैं यहाँ बेसिंग पर। गांव में तो चप्पाकल पर रखते हैं, यहाँ बेसिंग पर ही रखेंगे ना नल पर, जो जहाँ सुविधा है उसी के अनुसार यहाँ किचन के दरवाजे पर रख दे रहे हैं।
और खिड़की पर सभी बेटी रख दी है चारों तरफ, और चारों तरफ बच्चे लोग भी रख रहे हैं दीपक और मैं भी रख रही हूँ। अभी दरवाजे पर रख दिए हैं, फिर भी अभी सीढ़ी के पास रख दे रहे हैं कि सीढ़ी के पास रख दे रहे हैं दीपक, और उसके बाद से यहाँ दरवाजे पर भी रख दिए हैं, चारों तरफ दरवाजा पर रखा चुका है, दरवाजे पर रखते रहे हैं दीपक। उसके बाद से अभी थोड़ी देर में आरती करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद से पूजा का समापन करेंगे। तो हो गया यहाँ पर, और आरती को शुरू कर लेते हैं फिर। ओम जय लक्ष्मी माता, ओ मैया लक्ष्मी माता, तुम तो सबके दाता, ओ मैया तुम तो सबके दाता, जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। अभी माता रानी को हम लोग प्रणाम कर ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और फिर आगे की तैयारी करते हैं क्या क्या होता है। अभी प्रणाम कर ले रहे हैं, माता रानी हम लोगों को सारी खुशियाँ दीजिए, सभी के खुशियाँ दीजिए, उसके पीछे हम लोग को खुशियाँ दीजिए, सभी को स्वस्थ रखिए और सभी को एकदम स्वास्थ्य लाभ दीजिए, सभी का परिवार खुशी रहे, उसके पीछे हमारा भी परिवार खुश रहे। यही लक्ष्मी माता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। लक्ष्मी माता हर सभी जितने भी लोग देश में हैं सभी को खुश रखें। हम सबका पूजा समाप्त हो गया है, लक्ष्मी पूजा दीपावली का। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की, अंधकार पर उजाला की, और अधर्म पर धर्म की विजय की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई आप सभी को। आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो, और जैसे ये दिया जल रहा है, रोशनी कर रहा है, वैसे आप लोगों का भविष्य और पूरा स्वास्थ्य उज्ज्वल हो, यही शुभकामना है माता लक्ष्मी से। अभी पूजा खत्म हो गया है, हम लोग थोड़ा प्रसाद बांट दे रहे हैं अपना प्लेट में, और जो भी अपने अगल बगल है तो अभी लेके चल रहे हैं प्रसाद बांटने के लिए। सभी को एक एक करके प्रसाद देंगे, क्योंकि खुशियाँ सभी से मिल कर बांट कर खाने से अच्छा लगता है, तो प्रसाद हम लोग बांट करके खाते हैं, उसके बाद आएंगे घर में तो खाएंगे। प्रसाद देते हुए किसी को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने में व्यस्त है पूजा में, तो सिर्फ दे करके और चले आ रहे हैं। हम लोग नीचे जा रहे हैं, अभी ऊपर से नीचे जा रहे हैं प्लेट से। प्रसादी बांटना है नीचे भी कुछ लोगों को, इसलिए खुद शूटिंग कर रहे हैं और खुद जा भी रहे हैं, इसलिए हर जगह को ऐड नहीं कर पा रहे हैं शूटिंग, तो हम प्रसाद बांट रहे हैं हम। अभी पकौड़ा बन रहा है मेरे घर में, खा पी करके फिर आनंदित होकर के फिर और प्रसाद बांटेंगे। थोड़ा तो खा लिया जाए, भूख लग गया है, इसलिए अभी पकौड़ा बन गया, देख सकते हैं। और कभी खाना बंद कर देती है, अभी पकौड़ा थोड़ा सा और अच्छा हुआ है बनाने के लिए, तो अभी बना रहे हैं ठीक है। अगर हम लोग खाएँगे आपको भी आ गई है, पकौड़ा बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन चुका है, थोड़ी सी और है, ज़्यादा नहीं है। अभी हम सबका
दीपावली पूजा हो गया है तो हम लोग का दीपावली पूजा होने के बाद ही पकौड़ा बनाते हैं और दाल चावल पहले बन गया था, खीर पूड़ी बन गया था। तो दीपावली की आप लोगों को शुभकामनाएं। और अभी चावल बन गया, इसमें दाल बन गया और देखिए इसमें पकौड़ा भी बन गया, पकौड़ा भी इतना सारा बन गया और खीर पूड़ी भी बना है, उसको भोग लगा है, अभी हम लोग खाएंगे उसको और फिर दाल चावल पकौड़ा खाएंगे। सब्जी भी बन गया है, इसमें रखे हैं थोड़ा सा। तो आप सब भी आइए खाने और दीपावली का सब खाना बना है, प्रसाद भी है, आप सब भी आइए खाने मेरे यहाँ दीपावली में। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आप लोग के घर अन्न धन से लक्ष्मी माता भरी रहे और सभी को ढेर सारी खुशियाँ दे और सभी को स्वस्थ लाभ दे। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रोशनी का त्यौहार दीपावली को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, थोड़ी देर में आप सभी आ जाइए। अभी हम लोग आ गए छत पर इंजॉय करने। आप देख सकते हैं सभी का खाना पानी हो गया, पटाखा पूरा छूट रहा है छत पर, सभी बच्चे लोग आ गए हैं, नीचे भी पूरा फोड़े, ऊपर भी आ गए हैं फोड़ने के लिए। देखिए एंजॉय कीजिए आप लोग भी। हम लोग छत पर आए हुए हैं और देखिए एकदम शोर सुनाई दे रहा है, पूरा पटाखा छूट रहा है और देखिए सभी बच्चे लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहा है छत पर? पटाखा फोड़ रहे हैं। कितना पटाखा फोड़ा? पैसों में आग लगा बचा के आग लगाना, शरीर में मत लगा लेना। एक तो है शरीर में आग लगाता हूँ। देखिए कौन शरीर में आग लगाता है, उसको अपने ऊपर हटाएं। ठीक से पर वो भरोसा नहीं करे हटे। ओ देखिए पटाखा का एंजॉय पूरा चलता, पटाखा पटाखा ये शरीर में पटाखा नहीं फोड़ रहा है बाबू, बचा के फोड़ना, बचा के पटाखा फोड़ना, बचा गया नहीं तो भाई इसको भगा दूंगा। अकेले अकेले अपना फोड़ रहा है इधर, ये देखिए कितना फोड़ रहा है। अच्छा बजाया, देखिए अभी बालकोनी से व्यू देख रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है ना, दीपावली का खुशियाँ कितना जगमग कर रहा है सभी। देखिए बालकोनी से व्यू कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ कितना सुंदर लाइटिंग सजा है, दीपावली का रौनक ही ऐसा होता है, कितना सुंदर लग रहा है। कैंडल अच्छा लग रहा है, अरे इसका साथ तीन चार्ट छोटा छोटा साइड में लगाने वाला, यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है। हाँ एंजॉय करने के बाद अभी चल दिए फिर मैं एक घर अपने दोस्त के यहाँ दीपावली की खुशियाँ लेकर मिठाई देने। देखिए अभी हम लोग वहाँ पहुँचे और आ गए हैं प्रसाद देने के लिए। तो ये आते के साथ मेरी बेटी क्या कर रही है, हाथ धो रही है, उसके हाथ में कुछ लग गया मिठाई का, इसीलिए किचन में घुस करके और धोने लगी हाथ। और देखिए दीपावली का घर थर्माकोल का बना हुआ है, कितना सुंदर है और दीप जल रहा है।
छोटे छोटे में मिट्टी का दिया भी, मिट्टी का घर बनाकर मिट्टी का दिया जलाते थे। अभी शहर में मिट्टी असंभव है, इसलिए थर्माकोल का ही घर बनाकर बच्चे लोग खुशियाँ मनाते हैं। अच्छा लगता है दीपावली में। और ये तोरण सब बना हुआ है, तोरण बनाई है हाथ से, ये मुस्कुरा रहा है लेकिन आएगा नहीं। आए ये चाबी का गुच्छा है पूरा, देखिए ये खजाना है घर का, जिसको जिसको भाई लेना है खजाना आ जाओ, चाबी इतना रखा है। और ये माता जी का पूजा हुआ है, लक्ष्मी माता का, सभी दर्शन कीजिए, माता जी का पूजा हो गया है। और ये भगवान का मंदिर है, भगवान का मंदिर है। और यहाँ नीचे में पूजा हुआ, माता लक्ष्मी का नीचे ही बैठ के पूजा करते हैं, इसीलिए दुर्गा माता का है कितना अच्छा। और यहाँ मिट्टी बेटी का बैलून बर्थडे का है, बर्थडे का है, अरे हैप्पी बर्थडे नहीं, बैलून से लगता है कि बर्थडे हुआ है। ये देखिए रंगोली कितना मेहनत से बना हुआ है, और आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। दीपक जल रहा है, ये तोड़न है गेट का, हम यही सब काम करते हैं, हमने लिखे हैं तो हम पूजा करते बनवाना था। ये लाइट का दरवाजा है, आ रहा है लिफ्ट, पटाखा से तो प्राण फट जा रहा है। जब बंद हो गया ना तो सांस अटक जाएगा एक घंटा तक, जाइए हम सीढ़ी से जाएंगे, चले जाइए गया, जल्दी जाइए नहीं तो सारे से चुन्नी को अपना संभालिए, चलिए हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं नीचे। अब अभी हम लोग प्रसादी बांट रहे हैं घर घर में घूम करके, क्योंकि दीपावली की खुशियाँ दूसरों के साथ मिल बांट करके ही खाया जाता है, और बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से मिल करके प्रसादी एक दूसरे को देते हैं, मिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। आप सब यहाँ कैसे होता है आप सभी बताइए जरूर। देखिए पूरा जगमग कर रहा है हम लोग का घर, पूरा जगमग कर रहा है। अभी दीपावली भी आज के रात से खत्म हो गया, अब छठ पूजा की रौनक रहेगा। कुछ देर काली पूजा का भी सीन दिखाएंगे, काली पूजा का भी ब्लॉग बनाएंगे, हो सकता है तो इसी में डालें या नहीं तो अलग से डालेंगे, अगर बड़ा हो जाएगा तो भी आप लोग देखिएगा जरूर से काली पूजा का। हम लोग पहुंच गए अपने घर, कहते हैं राम जब 14 वर्ष वनवास करके घर वापस लौटे थे, उसी दिन पूरा देश में अयोध्या में दीप उत्सव मनाया गया था, और उसी को लेकर के आज भी हम लोग उसी खुशी में दीपावली मनाते हैं। राम जी अयोध्या आए थे वनवास से, तो हम लोग भी खुशियाँ मनाते आ रहे हैं पूर्वजों से कि राम भगवान का स्वागत के लिए, तो हम लोग बहुत अच्छा स्वागत किए भगवान का, जितना शक्ति था उतना स्वागत किए और हमेशा करते रहेंगे। और एक और कहानी आता है कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी माता को अमृत कलश मिला था और उल्लू का सवारी भी मिला था, उसकी याद में मनाते हैं दिवाली। कथाएं तो बहुत आती रहेगी जाती रहेगी, बहुत सारे लोग बहुत सारे कथाएं बहुत सारे कहते हैं, लेकिन कितना हम सुनाएं, जितना जानकारी तो बहुत कुछ लोगों से सुने हैं,
लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए छोटा सा ही बताए कि लक्ष्मी जी को भी शायद दीपावली के दिन ही लक्ष्मी जी का अमृत कलश मिला था, इसलिए दीपावली को हम लोग मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। और अधर्म पर सत्य का जीत हुआ था, असत्य पर सत्य का जीत हुआ था, जो कि रावण को मार के राम जी वापस आए थे। अयोध्या में बहुत खुशियां मनाई गई थी, तो इसी की याद में मनाते हैं दिवाली। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, दिल को छुआ होगा, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यही आशा है और आते रहेंगे, मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी खुशियाँ लेकर के, छोटी छोटी ब्लॉग लेकर के। और आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, जो भी संभव होगा हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और अगर कुछ आप लोगों को अच्छा लगे तो वो भी बताइए, नहीं अच्छा लगे वो भी बताइए, उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। ये दीपावली का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और आप लोग कैसे दीपावली इंजॉय किए हैं वो भी बताइए। अभी हम लोग का दीपावली ख़त्म हो गया और अभी खाना वाना खाएँगे और फिर सोएंगे। तो आप सभी को फिर एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाई। माता लक्ष्मी से प्रार्थना है आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लाएं और ढेर सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, सभी का घर में धन भरा रहे, सभी के बच्चे हमेशा हंसी खुशी से रहें, स्वस्थ रहें, और लक्ष्मी माता सभी को प्रसन्न रखें। अंधेरों पर उजालों का रोशनी है दिवाली, अधर्म पर धर्म का विजय है दिवाली, और अंधेरों पर रोशनी का दीपक है दिवाली। तो यही दीपावली का त्यौहार आज हम लोग का ख़त्म हो गया, और फिर अभी गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, बहुत सारे पूजा आते रहेंगे, फिर हम लोग इंजॉय करते रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग से विदा ले रहे हैं। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता, हैप्पी दिवाली, वंदे मातरम, जय हिंद।